ये 4 साल की जो भी परेशानी हुई वो हमें महसूस नहीं हुआ और हम आज थकावट महसूस हो रही है रिलीज होने के बाद, वरना हम बिल्कुल मतलब जोश बिल्कुल टॉप में था। मैं पंजाबी फिल्म का हिस्सा ज़रूर बनना चाहता हूँ। मैं कई फिल्मों के मतलब तारीफ करना चाहता हूँ जो यहाँ से हाल ही में आकर दुनिया भर में छाए हुए हैं। कितने नहीं ये ट्रोलिंग जो बेचारे बच्चे हैं, इनको कुछ यू नो थोड़ी सी बहुत इनको अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं अपना वो एजेंडा लेके घूमते रहते हैं। कर लेते हो कभी कभी उनको लगता है कि उन्होंने जो कह दिया उससे बहुत दिल दुखाएंगे लोगों का, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सांड हैं। बॉलीवुड कलाकार आर माधवन आज अमृतसर पहुंचे हैं अपनी नई फिल्म की प्रमोशन के लिए। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अमृतसर में। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब से कैसा रिश्ता रहा आपका? आप अपनी नई फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे हैं, पंजाब से कैसा रिश्ता रहा? भाई साहब, इतना प्यार मिला है मुझे इस अमृतसर से और पंजाब से, खास करके जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ दुनिया भर में, मुझे प्याड़ी पाजी करके बुलाते हैं और प्यार से गले लगते हैं। बहुत आभारी हूँ मैं इस प्यार और आदर के लिए। ये जो आपकी नई फिल्म आ रही है, इसके लिए क्या क्या चैलेंज आए, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? क्योंकि बहुत आसान नहीं है जो एक पर्दे पर लोगों के सामने जो करेक्टर लेके आते हैं, वो काफ़ी आसान नहीं है, काफ़ी चैलेंज आते हैं। वो चैलेंज ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या चैलेंज है। भाई साहब, एक ये कहानी हम कहना चाह रहे थे और हमारे सर पे खून सवार था और जुनून पे हम थे, क्योंकि नंबी नारायण साहब की कहानी पूरे देश को जानना बहुत ज़रूरी है और उनके बारे न जानना, उनके अचीवमेंट्स के बारे न जानना, ये या इन चीज़ों का नहीं जानना कि हमारे इसरो साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो हमारे देश के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे सच्चे देशभक्त हैं। तो इनकी कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, खास करके नंबी नारायण साहब की। और हम चाहे कुछ भी हो जाए, ये कहानी ज़ोर ज़ोर से कहना चाह रहे थे। तो ये 4 साल की जो भी परेशानी हुई वो हमें महसूस नहीं हुआ और हम आज थकावट महसूस हो रही है रिलीज़ होने के बाद, वरना हम बिल्कुल मतलब जोश बिल्कुल टॉप में था। सो पंजाब के साथ आपका खास रिश्ता रहा है, क्या कभी आने वाले समय में पंजाबी फिल्म बनाने का कोई चांस है? मैं पंजाबी फिल्म का हिस्सा ज़रूर बनना चाहता हूँ। मैं कई फिल्मों के मतलब तारीफ करना चाहता हूँ जो यहाँ से हाल ही में आकर दुनिया भर में छाए हुए हैं और पंजाबी आर्टिस्ट जो हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं। इनफैक्ट जब मैं मतलब अमेरिका गया था तो बहुत सारे पंजाबी आर्टिस्टों का शो चल रहा था और इतनी डिमांड थी उन लोगों के लिए कि काफ़ी अच्छा लगा, यू नो महसूस हुआ कि यार इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट अब यहाँ पंजाब से आने लगे हैं। सोशल मीडिया में जो ट्रोलिंग होती है उसको कितना सीरियसली लेते हैं? क्योंकि पिछले दिन ही आप पे भी ये किया गया था जब आपने एक फ़ोटो डाली थी, सो उस बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे, क्या था उस फोटो में और क्या ट्रोलिंग लोगों द्वारा की गई? नहीं नहीं, ये ट्रोलिंग तो बेचारे बच्चे हैं, इनको कुछ यू नो थोड़ी सी बहुत इनको अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं अपना वो एजेंडा लेके घूमते रहते हैं। तो मुझे उनसे कोई बैर नहीं है, मुझे लगता है कि भाई चला लो, कभी कभी आप मजाक भी कर लेते हो, कभी कभी उनको लगता है कि उन्होंने जो कह दिया उससे बहुत दिल दुखाएंगे लोगों का, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सांड हैं। ये जो फिल्म आ रही है इसमें ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत प्रचार हुआ है कि उस पर शाहरुख खान ने भी आपको बोला था कि इस फिल्म में चाहे छोटा सा भी रोल उन्हें दिया जाए, सो क्या था वो सारा? नहीं, ये उनकी बड़प्पन है, ये उनकी मतलब जेनरोसिटी है कि वो इस फिल्म का हिस्सा बन पाए और हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार और धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या लगता है लोगों को फिल्म पसंद आएगी? आप ही बताइए देखने के बाद। तो बिल्कुल, ये थे आर माधवन जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो अपनी पिक्चर की प्रमोशन के लिए पहुंचे और उन्हें लगता है कि ये फिल्म उनको बहुत लोगों को बहुत पसंद आएगी। अमित शर्मा, पंजाब तक अमृतसर।